मैं ये जानना चाहूंगा कि गौरव लेखवार क्या कहना चाहेंगे। संतरा है दोपहर में चूसना इसको। नासी 25 लाख की एफडी दूर चिकित्सालय दे रहा उनके नाम दान कर। असल में पता किसे देना चाहती थी, मेरी को खाना देती थी ना, खा लिया से डाइनिंग टेबल पे पड़ता था। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, इतना प्यारा बोलता है। तो हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एंड माय अनदर व्लॉग। और आज का वीडियो कुछ इस प्रकार से है कि अरविंद भैया जो हैं, हमारे अरविंद भारद्वाज भैया, उनके फ्रेंड हैं, उनका आज बर्थडे है भैया का। तो भैया अपने बर्थडे पे जो गरीब बच्चे होते हैं उनको जो है फ्रूट्स देना चाह रहे हैं, अपने बर्थडे में उनको जो है ट्रीट देना चाह रहे हैं फ्रूट्स की। तो अभी हमने संतरे लिए हैं और अभी इसके बाद हमें केले लेने हैं, तो संतरे हमने ले लिए हैं। तो अभी मैं भैया से भी आपको मिलाऊंगा और जिन भैया का बर्थडे है और आगे हम क्या क्या करने वाले हैं ये आप इस पूरे वीडियो में देखेंगे। तो बने रहिए और अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कमेंट शेयर, और अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करना। कितने लिए भैया आपने? ये लिए 9.5। और 9.5 किलो संतरा है ना? ये 9.5 किलो संतरा, 9.5 किलो किनू लिया है भैया ने। और अभी इसके बाद लेने हैं केले भैया को। देखो पीछे मंदिर है और ये है देहरादून का मोती बाज़ार बोल सकते हो आप इसे, मतलब मोती बाज़ार बोल सकते हो क्या, मोती बाज़ार ही है। और भैया भैया का बर्थडे आज। भैया आपका नाम क्या है? प्रभात सती। भैया का नाम है प्रभात सती। प्रभात सती सर, प्रभात सती सर डिफेंस इंस्टीट्यूट के ऑनर हैं। हाँ। और आज आप एक अच्छी सी पहल शुरू कर रहे हैं। हाँ। प्रभात सती सर कि अपने जन्मदिन पर उन लोगों के साथ अपना जन्मदिन मना रहे हैं जिनका कोई नहीं है, तो आज इनके लिए खास दिन मना रहे हैं अपने जन्मदिन को हमारे प्रभात सती। तो भैया की तरफ से ट्रीट है आज, अब देख सकते हो आप ये ट्रीट। चलो गाइज, पूरा भटकने के बाद अब हम लोग जा रहे हैं वापस से उसी दुकान में जो भैया पहले केले दे रहे थे, क्योंकि सारी जगह बहुत महंगा मिल रहा है। तो अब हम जाएंगे उन्हीं भैया के पास। तो पहले वाली अपडेट गलत थी गाइज, हम आए हैं यहाँ पे प्रेम धाम वृद्ध आश्रम और हम यहाँ पर देने वाले हैं ये सारी चीज़ें, रियल जूस, संतरे और केले। क्यों भैया? सर भी आए हमारे साथ में। The next day. तो हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, नेक्स्ट डे, नेक्स्ट मॉर्निंग। और कल आधा शूट किया था, कल रात को हम यहाँ पे आए थे, लेकिन रात को क्या हो गया था कि यहाँ पर जो इंचार्ज हैं उन्होंने हमें मिलने नहीं दिया जितने भी ओल्ड एज, जितने भी यहाँ पे वृद्ध लोग रहते हैं, क्योंकि रात को उनका खाना खाने का टाइम हो जाता है और देन उसके बाद वो उन्हें मेडिसिन वगैरह दे देते हैं। तो 7:30-8 बजे लगभग उनका डिनर हो जाता है, तो उसके बाद उन्होंने कहा कि आप मॉर्निंग में आइएगा और 10 से 11 के बीच में, तो हम आ जाएँ। साफ सीधी बात यह है कि अब हम कल नहीं मिल पाए तो आज हम आए हैं, पीछे हमारी टीम है, तो अभी हम आपको दिखाते हैं। तो चलिए, ये है हमारी टीम, मिस्टर रूहान भारद्वाज जी, मिस्टर अरविंद भारद्वाज जी, मिस सोनिया जोशी जी, और ये भैया लोग सती सर, दो मैम और आई है हमारे साथ में। मैं डॉक्टर कहाँ से बच्चे आए देखो मिलने? हाँ जी, आपने जूस पी लिया? जूस भी लाए थे, जूस पी लिया अभी, कोल्ड ड्रिंक भी जूस रख लिया हमने अभी। रियल जूस, रियल जूस लो, दे दो लो। ये संतरा है, दोपहर में चूसना इसको।
ये थोड़ा आपके टेबल पे एक 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 बार रियल जूस के साथ रख दो इनके। आपके लिए लेके आए संतरे, फ्रूट्स लेके आए आपके लिए। कैसे हो आप? देहरादून से। देहरादून से ही हो? ठीक है, गुरु महाराज जी का शुक्र है जिस साल में रखे जी। हाँ, दुख सुख तो शरीर के साथ है। भगवान से प्रार्थना करते हैं आप स्वस्थ रहे। बस जरूर करिए तो मेरे बेटे ने ना काम वाली लगा रखी थी, तो वो लड़की और तो सारे काम करती थी पर ज्यादा काम नहीं करती थी, तो फिर थोड़ी दिक्कत होने लग गई। फिर मजबूरी, कोई बात नहीं, कहीं भी रहना है ना तो अंदर से खुश रहना है, कहीं भी रहना है। बस टांगों में प्रॉब्लम है ना, चल नहीं सकती थी, राशन रूशन नहीं ला सकती थी। तो फिर मैंने कहा चलो प्रेम काम छोड़ दो, यहाँ सेवा तो होती है। तो यहाँ पे अच्छा लग रहा है आपको? हाँ ठीक है, अच्छा लग रहा। घर से तो, घर में तो कोई बात भी नहीं करता, यहाँ सब प्यार से बोलते हैं। अच्छा, घर में तो मेरी बहू खाना देती थी ना, थालिया से डाइनिंग टेबल पे पटक पटक देती थी, हमारे भाई में जन्मदिन है। आज मॉर्निंग 19/9/2011 को 85 लाख की एफडी दूध चिकित्सालय देहरादून के नाम दान स्वरूप की गई। आपके लिए हम दिल से तालियां बजा रहे हैं। अभी पहले दिया था 2011 में दिया, 19/9/2011 में दिया था। हम उसमें लिखा हुआ है दो उसमें टेस्ट करें जिनको हर साल इन्फॉर्म करेंगे कि उन्होंने कहाँ का टेस्ट, नहीं इन्होंने बताया नहीं। था मुझे क्यों नहीं दिया, मुझे क्यों नहीं दिया। अब देना तो एक ही आदमी, मैं असल में पता किसे देना चाहती थी, मोदी जी की पत्नी जो है ना, ज्ञाता पत्नी, उसको देना चाहती थी। पर मुझे ना तो उसका नाम पता था। आपको ये सलाह किसने दी? चलिए ठीक है माता जी, आप अपने ध्यान रखो, आप कोशिश करेंगे जो आपकी और बातें हैं वो हम अखबार में पब्लिश करवा पाए, फिर आते रहेंगे हम आपके। ये तो फोटो ले लिया हमने, फोन वीडियो बन रहा है, चिंता ना करें।
हम जरूर अभी आते रहेंगे, हम यहाँ पर हर वीकली आते रहेंगे आपसे मिलने। तो हम पता नहीं जिंदा भी होंगे तो दोस्तों, जैसे कि हम आप सभी ने पूरे ब्लॉग में देखा कि हम आए हुए हैं प्रेम धाम वृद्ध आश्रम देहरादून में, और यहाँ पर जो है सती सर का बर्थडे था, तो हमने जो है सभी लोगों ने यहाँ पर जितने भी वृद्ध लोग हैं उन लोगों को अपनी तरफ से सती सर ने थोड़ा सा फ्रूट्स दिए हैं, जूस वगैरह प्रोवाइड किया है। तो अभी हम लोग सभी से जानेंगे, सभी को हमारे साथ में जितनी भी टीम आई थी, कि सभी लोगों को कैसा लगा। सबसे पहले मैम के पास चलते हैं। मैम, आपको कैसा लगा? इट वॉज़ अ वेरी ब्यूटिफुल एक्सपीरियंस। बहुत कनेक्टेड फील होता है लोगों से, डिप्राइव्ड जो लोग होते हैं उनसे बात करके, उनसे कनेक्ट करके। मैं चाहूँगी कि आप लोग भी यहाँ आएँ और अपना प्रेशियस टाइम अगर आप स्पेंड करना चाहते हैं तो रादर देन गोइंग आउटसाइड नो किसी और जगह जाने के बजाय आप यहाँ आएँ ओल्ड एज होम में। यहाँ लोगों को भी अच्छा लगेगा, आपको भी बहुत अच्छा फील होगा। तो अब हम चलते हैं आगे और सोनिया जी से जानते हैं। सोनिया दी, आपको कैसा लगा यहाँ पे आके? क्योंकि सोनिया दी हमेशा, हमने आप लोगों ने देखा होगा, हर जगह सबसे पहले कहीं भी अगर कोई सोशल वर्क करना हो तो सोनिया दी सबसे पहले जाती है। तो सोनिया दी से जानेंगे कैसे? देखिए, आज यहाँ की बहुत अच्छा लगा है, और स्पेशली ज़िंदगी को जब जानना हो ना और करीब से पहचानना हो तो ऐसी जगह आना बहुत ज़रूरी है। और आज की यंग जनरेशन जिस तरीके से हर चीज़ को सेलिब्रेट करती है, मानती है, तो अपने कुछ स्पेशल डेज जो है इन लोगों के साथ सेलिब्रेट करें, बहुत अच्छा फील होगा। और आप समझ सकेंगे और देख पाएंगे कि लोग किस किस तरीके से अपना जीवन जी रहे हैं। तो हमें भी सीरियसली, मुझे भी बहुत अच्छा लगा यहाँ पे, और मैं सभी लोगों का धन्यवाद करना चाहता हूँ, अरविंद भैया, सोनिया दी, सती सर, रूहान सर, सभी लोगों का, कि उन लोगों ने मुझे भी मौका दिया अपने साथ यहाँ पर आने का। और अब मैं आपको मिलवाने वाला हूँ ऐसे इंसान से जो कि सभी लोगों को सपोर्ट करते हैं हर चीज़ में, जो है सभी लोगों को जो है आगे भेजते हैं कि ठीक है ये करना चाहिए, वो करना चाहिए, सोशल वर्क भी करते हैं लेकिन कभी भी जो है कैमरे के सामने नहीं आते हैं। हम लोग तो ये कि करते हैं तो आप लोगों को दिखाते भी हैं और आप लोगों के सामने आते भी हैं, लेकिन भैया हमारे साथ में है अरविंद भैया, जो कि कभी भी जो है, हाँ, कभी भी जो है दिखाते नहीं है, जताते नहीं है। तो मैं भैया से पर्सनली जानना चाहूँगा कि भैया आप क्या मैसेज देना चाहोगे? सर, दोस्तों, मैं आपको यही मैसेज देना चाहता हूँ कि हम अपने घूमने फिरने और हम अपने बर्थडे पार्टी पे लाखों रुपए खर्च कर देते हैं, पर अगर हम उसमें से ज़्यादा नहीं, सिर्फ 20% उस बजट में से 20% भी हम अगर ऐसे लोगों के साथ हम कुछ हेल्प कर पाएँ, उनके जीवन का सहारा बन पाएँ, तो हम समझेंगे कि हमारा जीवन सफल हो गया। तो मैं आपको भी सिर्फ यही कहना चाहूँगा कि हो सके तो आप लोग भी अपनी पार्टी भी करिए, और साथ में हमारे जो ये बुज़ुर्ग हैं जिनको इनकी फैमिली ने छोड़ दिया है, उनके बच्चों ने छोड़ दिया है, तो उनको ऐसा कभी भी एहसास ना होने दें। एक इंसान होने के नाते उनको कभी भी एक ऐसा एहसास ना होने दें कि उनका इस धरती पे कोई नहीं है। तो आप भी बढ़ चढ़ कर इस पहल में हिस्सा लें। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड। तो ठीक है, थैंक यू सो मच भैया। और अब मैं मिलवाने वाला हूँ आप सभी से मिस्टर रूहान भारद्वाज सर से, जो कि आप लोग सभी उनसे रूबरू हैं और जो कि हमेशा जो है तत्पर रहते हैं, हमेशा कोई भी सोशल वर्क को करने में हमेशा तत्पर रहते हैं, और हमेशा जब भी हम इधर उधर कहीं जाते हैं घूमने वगैरह, ट्रैवल करते हैं कहीं भी इधर उधर, तो हमेशा जो है हमारा यही डिस्कस चलता रहता है कि क्या कुछ हम आगे कर सकते हैं और क्या कुछ हम लोगों के लिए कर सकते हैं। तो अभी सर से जानेंगे कि सर आप क्या मैसेज देना चाहोगे सभी को? सबसे पहले तो मैं यही कहना चाहूँगा, मुझे एक चीज़ का दुख हुआ इन सभी बुज़ुर्गों को यहाँ पर देखकर कि और कई बुज़ुर्गों ने हमसे कहानियाँ भी शेयर करी कि मेरी बहू ने, मेरे बेटे ने, इसने, उसने। तो मुझे लगता है कि जीवन में ऐसा भी बड़ा मत बनो कि अपने माँ बाप को वृद्ध आश्रम भेजना पड़े। तो मैं यही कहूँगा, इतना पैसा भी मत कमाओ कि माँ बाप को फिर वृद्ध आश्रम में भेजना पड़े। और ये तो एक अलग मुद्दा था, इनसे मिलकर मुझे बहुत खुशी हुई और मैंने देखा कि वो लोग बहुत खुश हैं आपस में, एक दूसरे से मिलकर वो आपस में समय बिताकर खुश है, और काफ़ी लोग वहाँ पर बहुत इंटरेस्टिंग भी थे, उनसे मुझे बहुत कुछ सीखने को भी मिला। और आप सबसे भी यही कहूँगा, जैसा कि मेरे बड़े भैया ने आपको बताया कि पार्टी भी करिए लेकिन उसमें से कुछ 20% अमाउंट आप निकालिए और इनके साथ आइए, इनको कुछ भी गिफ्ट आप दे सकते हैं, कुछ खाने पीने के लिए, इनके साथ टाइम बिताइए, आपको बहुत सुकून मिलेगा, बहुत खुशी होगी।
यही कहूँगा, और गौरव लेखवार चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू वेरी मच। तो थैंक यू सो मच सर, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, इतना प्यारा बोलता है। थैंक यू सो मच गाइज, और थैंक यू सो मच मेरे बड़े भैया बहन जितने भी यहाँ पर हैं, हमेशा मुझे सपोर्ट करते रहते हैं। और हमेशा मैं ये जानना चाहूँगा कि गौरव लेखवार क्या कहना चाहेंगे। मैं भी यही कहना चाहूँगा कि यहाँ पर आके मुझे सीरियसली दिल से बहुत अच्छा लगा, उन लोगों की बातें सुनकर जो है काफ़ी सारी चीज़ें मुझे सीखने को मिली। एक बुजुर्ग हमें वहाँ पर मिले, उनसे मुझे ये सीखने को मिला कि वो मतलब इस यहाँ पर वृद्धाश्रम में रह रहे हैं अपने, उनके घर परिवार वालों ने उन्हें छोड़ दिया है, और यहाँ पर रह के उनके चेहरे पर एक मुस्कान जो हमेशा मतलब बनी हुई है, और वो मुस्कान ही जो है उनका मतलब उनकी ताकत है वो मुस्कान। तो मुझे यहाँ पर बहुत कुछ सीखने को भी मिला और बहुत अच्छा लगा मुझे दिल से। बाकी सभी कुछ तो भैया लोगों ने, सर लोगों ने बताया है, तो थैंक यू सो मच गाइज। आप लोगों को भी यही कहना चाहूँगा कि आप लोगों से भी जितना हो पाता है, हम ये नहीं कहते कि आप लोग ज़्यादा करिए, लेकिन आप लोगों से जितना भी हो पाता है आप लोग उतना कीजिए, और हमेशा जो है कोई भी कार्य हो, ऐसे कोई भी काम हो, तो उनमें जो है बढ़ चढ़ कर हिस्सा लीजिए। तो थैंक यू सो मच, ब्लॉग बहुत ज़्यादा लंबा हो गया है, आगे आप सभी को पता है। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना और शेयर जरूर करना सभी के साथ में, जिससे और लोगों को भी हमें देखकर प्रेरणा मिले लोगों को, कि उनको भी जो है थोड़ा बहुत वो भी कर मतलब इस कार्य में जो है आगे बढ़ सके। थैंक यू सो मच।